हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मिथ टुडे फ्रॉम माइथोलॉजी इस टेक्स्ट के बारे में, विच इज रिटन बाय रोलांड बार्थ्स। तो पहले पता होना चाहिए कि मिथ क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ और माइथोलॉजीज। तो बेसिकली मिथ का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टोरीज जो पास्ट से रिलेटेड हों, जो बहुत पुरानी स्टोरीज हों और हमें ये नहीं पता कि ये स्टोरी पूरी तरीके से सच्ची है भी कि नहीं है। ऐसी स्टोरीज में जनरली भगवानों की, गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात की जाती है और कुछ ऐसे फिनोमेना की बात की जाती है जो अननेचुरल से लगते हैं, जो थोड़े दूसरे वर्ल्ड के लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ तो है इसमें जो नेचुरल नहीं है। तो ऐसी चीजें जो स्टोरीज बताती है पास्ट की, जनरली कोई मैसेज देने के लिए, उनको हम मिथ बोलते हैं। एंड माइथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मिथ्स। जब हम मिथ्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनको हम माइथोलॉजीज बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो हमारा ऐसे है मिथ टुडे, ये इन्हीं की बुक माइथोलॉजीज में से लिया गया है। सिमियोटिक्स का मतलब होता है साइंस और सिंबल्स के थ्रू चीजों को समझना, उनके बारे में नॉलेज लेना। तो इसी तरीके से रोलांड बार्थ्स भी मिथ को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे ये जो मिथ्स हैं, हर कल्चर की जो अलग स्टोरीज होती हैं, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंक्लूड करती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं, ये कैसे बनी सोसाइटी में, कैसे परपेचुएट हुई, कैसे यानी कि बढ़ती गई, जनरेशन बाय जनरेशन पास होती गई। तो इसी बात को अपने इस वर्क में लिखते हैं रोलांड बार्थ्स। की कॉन्सेप्ट फर्स्ट इज मिथ एज अ टाइप ऑफ स्पीच। तो बार्थ्स कहते हैं कि मिथ, जब हम किसी को कोई ऐसी स्टोरी बताते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो और जिसमें गॉड्स, गॉडेसेस या कोई अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक तरीके का कम्युनिकेशन बन जाता है। सोचिए, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मेरे कल्चर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो कोई ऐसी स्टोरी मैं बनाऊंगी या बनती आई है जो मुझे मेरे पेरेंट्स सुनने को मिली होगी, मैं वही स्टोरी अपने बच्चों को पास ऑन करूंगी ताकि वो मेरे मैसेज को समझ पाए, वो समझ पाए कि हमारे कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसी तरीके से मिथ is a type of speech, it is a type of communication, it conveys the meaning from generation to generation. The second point kehta hai, myths are not defined by their content but by the way they are conveyed and understood. हमें मिथ को ये सोच के नहीं सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए कि उनमें क्या चीज झूठ लिखी है, क्या चीज सच लिखी है। हमें ऐसी स्टोरीज में से मीनिंग निकालना चाहिए कि स्टोरी क्यों बनाई गई, क्यों सुनाई गई, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड अदर देन दिस, आई वॉन्ट टू से, या तो आप इसके नोट्स बना लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इट ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो नेक्स्ट इज सिमियोलॉजिकल सिस्टम। तो बार्थ्स बताते हैं हमें कि कैसे हम मिथ को सिमियोटिक से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी साइंस एंड सिंबल्स, चीजों को साइंस के थ्रू समझना कि क्या किस तरफ इशारा करना चाह रही है हमें स्टोरी। तो फर्स्ट ऑर्डर होता है सिमियोटिक्स में कि हमें जाने कि स्टोरी कैसे बनाई गई है, क्या स्टोरी की फॉर्म है, दैट इज द सिग्निफायर। एंड द सेकंड थिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर इज द सिग्निफाइड, कि वो चीज क्या कॉन्सेप्ट डिराइव कर रही है, क्या मीनिंग, हमें क्या मैसेज दे रही है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। पर जब हम मिथ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सेकेंड ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान देना होता है, हमें सिग्निफाइड पे ध्यान देना होता है, हमें उसकी फॉर्म स्टडी करने के बजाय ये स्टडी करना होता है कि मिथ का कॉन्सेप्ट क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, सिग्निफायर, सिग्निफाइड एंड साइन। सिग्निफायर का मतलब होता है क्या इमेज हमारे दिमाग में आ रही है, क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं स्टोरी में। सिग्निफाइड का मतलब होता है इन वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू हमें क्या कॉन्सेप्ट समझाने का, क्या मैसेज, क्या मीनिंग देने का ट्राई कर रही है स्टोरी। एंड द साइन इज द एसोसिएटिव टोटल, कि ये वर्ड्स और ये मीनिंग मिलके क्या किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इज इट ट्राइंग टू शो सम पाथ, क्या ये हमें कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रहे हैं या फिर हमें कोई
स्पिरिचुअल मैसेज या फिर कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल डिराइव कर रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस टू मूविंग फॉरवर्ड। इट इज मिथ एज अ डी पॉलिटिसाइज्ड स्पीच, क्योंकि जो मिथ होती हैं वो बहुत ही नेचुरल टॉपिक्स को लेती हैं पर उनमें ऐसी चीजें ऐड कर देती हैं जो अदर वर्ल्डली होती है। तो बेसिकली हमारे कल्चर को नेचुरलाइज किया जाता है कि हमारा कल्चर चलता आ रहा है, हमारा कल्चर उस टाइम पे भी था, इस टाइम पे भी था, ऐसा होता आया है, वैसा होता आया है। तो अलग अलग चीज़ों को ऐड किया जाता है ताकि वो स्टोरी नेचुरल दिखे और ये दिखे कि हमेशा से चलती आ रही है ये स्टोरी और हमेशा तक चलती रहेगी। यानी द कल्चर इज इटर्नल, इट विल नेवर डाई, इट विल नेवर फेड अवे, इट विल कॉन्टिन्यू to pass on generation to generation. The second point here says they strip away the complexity of reality and present it as a simple universal truth. जो present day life की hardships होती हैं, struggles होते हैं, उनका भी जिक्र किया जाता है myths में कि हर इंसान को जो struggles देखने को मिल रहे हैं और ये बताया जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ही लोग स्ट्रगल करते आए हैं एंड इट इज नो डिफरेंस कि आप भी उसके सामने आ रहे हो एंड यू विल इवेंचुअली ओवरकम द फियर, ओवरकम द स्ट्रगल। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज फंक्शन ऑफ मिथ। ये कहते हैं कि जो मिथ्स होती हैं ना वो हमारा एक ऐसी हमारी ऐसा माइंडसेट बना देती हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं, हम अपनी सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को कनेक्ट कर पाते हैं इन मिथ्स के थ्रू और ऐसी सच्चाइयां जान पाते हैं जिनसे लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी कि जो हमेशा से लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हर इंसान ने फेस करी है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एनालिसिस। यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करते हैं बार्ट से कि एक ब्लैक सोल्जर फ्रेंच फ्लैग पे या पेरिस मैच के दौरान उसको सल्यूट कर रहा है। अब पहली बात तो आपको फर्स्ट ऑर्डर में देखेगा कि एक इमेज है, एक कॉन्सेप्ट है कि एक सोल्जर सल्यूट कर रहा है, पर इस पिक्चर की सिग्निफिकेंस क्या है, जो मिथ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सेकंड ऑर्डर में सिग्निफिकेंस ये है कि दिखाता है कि जो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था इसमें ना ही सिर्फ वाइट पीपल बल्कि ब्लैक पीपल को भी इंक्लूजन मिला। इट वाज वेरी बेनिविलेंट, इट वाज वेरी काइंडली कि उन लोगों को भी इक्वल राइट्स मिले जो बहुत टाइम से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आए थे। सो द ब्लैक सोल्जर सल्यूटिंग द फ्रेंच फ्लैग शोज द इंक्लूसिवनेस ऑफ द फ्रेंच कॉलोनियलिज्म। मूविंग टू द लास्ट स्लाइड वे वी हैव इम्पैक्ट एंड लीगेसी। इस वर्क मिथ टुडे को पढ़ने के बाद, ये बार्ट्स के इस वर्क को पढ़ने के बाद लोगों को ये समझ आया कि हर तरह की स्टोरी में, हर तरह की कोई भी आर्ट फॉर्म में एक हिडन मैसेज होता है। इट इज डिफिकल्ट एंड येट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस मैसेज को समझें, हम उसके अंडरलाइंग मैसेज को, अंडरलाइंग मीनिंगफुलनेस को हम समझ पाए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें। द सेकेंड पॉइंट हियर सेज कि इस ऐसे को पढ़ने के बाद जो रीडर्स हैं वो हर स्टोरी नेचुरल, जो स्टोरीज हैं, जो मिथ्स हैं, हर स्टोरी में अपना एक अलग मीनिंग निकाल पाएंगे और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं उससे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।